बिफोर द मीटिंग, अब मीटिंग से पहले क्या होता है इस पैराग्राफ में हम देखते हैं शिवाजी महाराज की प्रिपरेशन बताइए। बिफोर द मीटिंग का मतलब उनका प्रिपरेशन ऑफ शिवाजी महाराज फॉर द मीटिंग विथ अफजल खान। ऑन द डे ऑफ द मीटिंग शिवाजी विजिटेड भवानी टेम्पल इन द मॉर्निंग एंड टुक दर्शन। सून आफ्टर ही स्टार्टेड पुटिंग ऑन हिज सेरेमोनियल क्लोथ। ही वोर हिज सलवार एंड कोट ऑफ मेल। Over the coat of mail he wore kurta and flowing robe. On his head he placed the jireto means helmet and tied a mandil around it. He fitted vagnak on his fingers of his left hand. Hidden inside the left sleeve was a bichwa and he carried a dan patta in his hand. He was now ready to face the Khan. All the Sardars were waiting outside. Shivaji turned to them and said. अब इससे पहले हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज ने क्या प्रिपरेशन किया। तो देखो बच्चों ये सब चीज़ें हैं। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले भवानी देवी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेरेमोनियल क्लोथ्स पहने, मतलब सेरेमनी में जो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, किसी से मिलना है तो हम अच्छे कपड़े पहन करके जाते हैं, वो कपड़े पहने। उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, क्या कुर्ता और फ्लोविंग रोब भी पहना, उन्हें रोब मीन्स अंगरखा वो भी पहना। ऑन हीज हेड ही प्लेस जीरे टोप, यहाँ पे देखो जीरे टोप ये हेलमेट है, ये हेलमेट को पहना, ये कोट पहना इस तरह का कोट ऑफ मेल पहना, ये दांड पट्टा है इसे उन्होंने हाथ में रखा, ये बिछुआ है इसे भी रखा, ये वागनक, वागनक देखो इसे फिंगर्स में पहनते हैं, इसके जो पहनने के बाद सिर्फ ये इसकी जो रिंग होती है ये उंगलियों में दिखती है, बाहर से देखा तो रिंग पहने ऐसा दिखता है लेकिन अंदर से अंदर के साइड में इसके नख होते हैं। ओके बच्चों, इस तरह से शिवाजी महाराज ने यह प्रिपरेशन किया था। और उन्होंने उनकी जो स्लीव होती है, जो शर्ट की जो स्लीव होती है उसके अंदर ये बिछुआ को छुपा के रखा था। इस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन खुद का किया। ये देखो यहाँ पे लिखा है कैरीड अ दांड पट्टा इन हिज हैंड, आर ये इस दांड पट्टे को, इसे दांड पट्टा कहते हैं, ये दांड पट्टा उन्होंने हाथ में रखा था रेडी टू फेस द खान के, कल के अगर उसने हमला किया खान ने, अफजल खान ने, तो उसके लिए उन्होंने ये प्रिपरेशन किया था। ऑल द सरदार्स वर वेटिंग आउटसाइड शिवाजी टर्न टू दे मैन सेड फ्रेंड्स ईच वन ऑफ यू मस्ट कैरी आउट द ड्यूटीज असाइन टू यू। और उन्होंने कहा कि दोस्तों जो भी मैंने तुम्हें दोस्ती दी है, जो तय हुआ है मैंने तुम्हें दी है वो पूरी करो। आई एम श्योर द गॉड इज भवानी विल सी दैट वी सक्सीड। और मुझे आशा है कि भवानी माता हमें शक्ति देंगी, हमें कामयाब करेंगी। बट इफ थिंग्स गो रॉन्ग आई एम किल्ड, अगर जरा भी चूक हुई भूल हुई तो मैं मर सकता हूँ। डू नॉट लूज हर्ट, इंस्टॉल संभाजी ऑन द गादी, फॉलो द कमांड्स ऑफ माँ साहेब। और अगर कि मुझे कुछ होता है तो अपनी हिम्मत खोना नहीं, मेरी जगह पे संभाजी राजे को गादी पे बिठाओ और माँ साहेब जो तुम्हें ऑर्डर देंगी वो तुम्हें फॉलो करना है। माँ कौन, जीजाबाई। फाइट फॉर स्वराज एंड एक्सटेंड हीज बाउंड्रीज इट्स बाउंड्रीज मेक द सब्जेक्ट्स हैप्पी। सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे विषय नहीं, सब्जेक्ट मतलब प्रजा। और स्वराज की बाउंड्रीज को बड़े करो, एक्सटेंड मतलब उसे बड़ा करो और लोगों को खुश करो। आई शैल गो नाउ टू मीट द खान, और मैं खान को मिलने जा रहा हूँ। ही वॉज अकम्पेन्ड बाय हिज वकील पंताजी गोपीनाथ एंड 10 बॉडी गार्ड्स इंक्लूडिंग जीवाजी महला, संभाजी काउजी, एसाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्धि इब्राहिम एंड अदर्स। इस तरह के जो साथी थे उनके यहाँ पे नाम लिखे। एक आदमी जो सब में साथीदार था वो वकील था, पंताजी गोपीनाथ। ओके बच्चों, अब आगे क्या है देखते हैं। वेन शिवाजी रीच द शामियाना ही सॉ दैट खान हैड ऑलरेडी अराइव्ड। ही वॉज बिजी प्लानिंग हिज फ्यूचर मूव्स। स्टैंडिंग बाई साइड वॉज एन आर्म सोल्जर, और वो बिजी था, उन्होंने देखा कि वो पहले आकर रुका है और वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें आर्म सोल्जर उसके इर्द गिर्द खड़े। बड़ा स्टैंडिंग बाई साइड वॉज एन आर्म सोल्जर बड़ा सैयद बाई नेम, उसका बड़ा सैयद नाम का एक सोल्जर था, उसके बाजू में खड़ा था। ही वॉज हाईली स्किल्ड इन हिज यूज ऑफ दांड पट्टा, और वो दांड पट्टा यूज करने में, मैंने पिक्चर में पहले ही दिखाया आपको कि वो यूज करने में वो स्किल था, माहिर था।
प्रज्ञ था। शिवाजी केम टू द एंट्रेंस ऑफ द शामियाना, बट ऑन सीइंग बड़ा सैयद ही स्टॉप, ही वुड नॉट प्रोसीड फर्दर। और जैसे शिवाजी अंदर गए, उन्होंने देखे कि बड़ा सैयद वहाँ पर खड़ा है, वो खड़े हो गए और वो आगे नहीं बढ़े। द खान आस्क्ड शिवाजी वकील, व्हाई शिवाजी स्टूड एट द एंट्रेंस इंस्टेड ऑफ इट कमिंग इन। और खान ने शिवाजी के वकील से पूछा कि शिवाजी क्यों खड़े हो गए शामियाना के एंट्रेंस पे, अंदर क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने शिवाजी के वकील से, खान ने ये बात पूछी। द वकील सेड, ही इज अफ्रेड ऑफ बड़ा सैयद, प्लीज आस्क हिम टू गो अवे। बड़ा सैयद मूड अवे एंड शिवाजी स्टेप्ड इन। द खान गॉट अप एंड सेड, कम शिवाजी राजे, लेट अस एम्ब्रेस ईच अदर एज अ मार्क ऑफ आवर फ्रेंडशिप। और उन्होंने, उनके वकील ने जैसे ही कहा, क्या कहा कि शिवाजी महाराज को बड़ा सैयद को देखकर डर लग रहा है, बड़ा सैयद को कहो कि उसे बाहर जाए, तब शिवाजी महाराज अंदर आएंगे। तो खान खुश होकर खड़ा हुआ और उसने कहा कि जाओ। जैसे ही बड़ा सैयद बाहर चले गया, उसने कहा, कम शिवाजी राजे, लेट अस एम्ब्रेस ईच अदर एंड मार्क ऑफ आवर फ्रेंडशिप। चलो आओ राजे, गले मिलते हैं और हम हमारी दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे दोस्ती में क्या होता है देखते हैं बच्चों। द स्ट्रगल विद द खान, शिवाजी महाराज कॉशियसली टूक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड देन खान टूक हिम इन हिज एम्ब्रेस। कंपेयर टू द जायंट खान, शिवाजी वॉज शॉर्ट, ही रीच ओनली एज फार एज खान्स चेस्ट। एट द सेम मोमेंट द खान हेल्ड शिवाजी स्नेक इन हिज आयरन ग्रिप एंड स्टैप्ड हिम ऑन द साइड विद हिज डैगर। इट टोर अपार्ट शिवाजीज रोप, बट द कोट ऑफ मेल अंडरनीथ सेव्ड हिम। शिवाजी नोविंग दैट द खान वॉज ट्राइंग टू केम हिम, क्विकली थ्रस्ट द वागनक इन द खान स्टमक, ड्रॉविंग आउट द बिछवा विथ हिज राइट हैंड, ही ड्रॉ इट इन टू द खान स्टमक एंड टोर अपार्ट हिज गट्स। द वुंडेड खान फेल डाउन। खान्स वकील कृष्णाजी भास्कर केम फॉरवर्ड एंड अटैक शिवाजी विथ हिज स्वर्ड, बट शिवाजी किल हिम विथ वन स्ट्रोक ऑफ द पट्टा। वेन बड़ा सैयद हर्ड द शाउट्स एंड नॉइज, ही रश इन टू द शामियाना। एज ही वॉज अबाउट टू स्ट्राइक शिवाजी, जिवाजी महाला केम बिटवीन देम एंड किल बड़ा सैयद विथ वन स्ट्रोक। बिकॉज ऑफ जिवा, शिवा वॉज सेव। अब देखो बच्चों, हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं, समझते हैं क्या हुआ। शिवाजी महाराज कॉशियसली टूक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड देन खान टूक हिम इन हिज एम्ब्रेस। कंपेयर टू द जायंट खान, शिवाजी वॉज शॉर्ट। अब शिवाजी महाराज ने उनको खुशामदीद की, अंदर बुलाया उन्हें, और शिवाजी महाराज अफजल खान के कंपेयर में बहुत छोटे थे, शॉर्ट थे। ही रीच ओनली एज फॉर द खान चेस्ट, और उनकी हाइट कितनी थी, शिवा अफजल खान के सिर्फ चेस्ट तक थी। एट द सेम मोमेंट द खान हेल्ड शिवाजी नेक इन हिज आयरन ग्रिप एंड स्टैब्ड हिम। और जैसे ही वो उसके गले मिले, उन्होंने शिवाजी महाराज की गर्दन को अपने कहाँ से दबाया, आयरन ग्रिप से, जैसे कि उन्होंने खांधे से उनको दबा दिया। स्टैब हिम ऑन द साइड विथ हिज डैगर, और उन्होंने जैसे गले मिले तो उन्हें दबोच लिया। इट टोर अ पार्ट शिवाजीज रोप, बट द कोट ऑफ मेल अंडरनीथ सेव्ड हिम। अब शिवाजी का जो ऊपर से जो कपड़े थे वो फट गए, लेकिन अंडरनीथ उन्होंने क्या पहना था, कोट ऑफ मेल, मतलब उसे मराठी में चिलखत कहते हैं, चिलखत उन्होंने पहना था, उस वजह से वो बच गए। इट टोर अ पार्ट शिवाजीज रोप, मतलब ऊपर का रोप फटा, लेकिन अंदर उन्होंने चिलखत पहना था इसलिए वो बच गए। शिवाजी नोइंग दैट द खान वॉज ट्राइंग टू किल हिम, क्विकली थ्रस्ट द वॉगनक इन द खान स्टमक, उन्होंने फौरन पहचाना, जैसे वो गले मिले थे उन्होंने वो हाथ, देखो मैं तुम्हें बताती ही, यहाँ पर देखो, शिवाजी महाराज की हाइट अफजल खान के सिर्फ चेस्ट तक है, वो जैसे गले मिल रहे उसने इस हाथ से शिवाजी महाराज की गर्दन को दबोच लिया। जैसे शिवाजी महाराज को दबोचा, उसने उस पर हमला किया, तो इनका ये जो रोप था ये फट गया, लेकिन अंदर उन्होंने कोट ऑफ मेल, मतलब चिलखत पहन रखा था, इसलिए वो बच गए। और जैसे शिवाजी महाराज इधर मिले थे, उनका हाथ पीछे की ओर था, उन्होंने इस हाथ में वाघ नख पहन रखे थे, उस वाघ नख से उन्होंने उनका पेट यहाँ से फाड़ दिया।
समझे बच्चों, इस तरह से फाड़ दिया और उन्होंने हाथ में एक बिछुआ भी छुपा रखा था, इस बिछुआ से उन्होंने उसे मार दिया। और इसका इनका जो वकील था, ये देखो वकील यहाँ पर खड़ा है, इस वकील ने इन पर शिवाजी महाराज का पर हमला किया। यहाँ पर लिखा है द वुंडेड खान फेल डाउन, खान्स वकील कृष्णा जी भास्कर, जैसे कि मैंने पिक्चर में बताया, क्या वो कृष्णा जी भास्कर जो वकील था वो आगे आया और उसने शिवाजी पे अटैक किया। बट शिवाजी किल्ड हिम विद वन स्ट्रोक ऑफ पट्टा, बट शिवाजी महाराज ने दांड पट्टा साथ में लिया था, उस पट्टे के स्ट्रोक से उन्होंने उस वकील को मार दिया। व्हेन बड़ा सैयद हर्ड द शाउट एंड नॉइज ही रश्ड टू द शामियाना, बड़ा सैयद तो पहले ही बाहर भेज दिया था, लेकिन उसने जब नॉइज सुना चिल्लाने का, चीखने का, मरा अब इसे शिवाजी महाराज ने जख्मी कर दिया, पेट फाड़ दिया अफजल खान का, तो वो तो ऑब्वियसली चिल्लाएगा। वो जब चिल्लाने लगा तो बड़ा सैयद भाग करके शामियाना के पास आया और शामियाना के पास आने के बाद उसने शिवाजी महाराज पे अटैक किया। एज ही वॉज अबाउट टू स्ट्राइक शिवाजी, जीवा महाला केम बिटवीन देम एंड किल्ड बड़ा सैयद, जैसे उसने शिवाजी महाराज पे अटैक किया जीवा महाला बीच में आया और उसने बड़ा सैयद को किल कर दिया। बिकॉज ऑफ जीवा शी वॉज सेव्ड, अब हिस्ट्री में बहुत बार इस वर्ड को दोहराया जाता है, होता जीवा मनुन वाचला शिवा, होता जीवा मनुन वाचला शिवा, इस बात को कहते हैं कि जीवा महाला उस वक्त अगर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता तो आज शिवाजी महाराज, उस वक्त ही शिवाजी महाराज मर चुके होते। बिकेम जीवा सेवड बिकेम अ कॉमन सेइंग आफ्टरवर्ड, संभाजी कावजी डिस्प्लेड अ ग्रेट ब्रेवरी इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, फिर उस संभाजी कावजी भी बाद में आए और उन्होंने भी उस लड़ाई में काफ़ी हद तक काम किया, मतलब उस उन्होंने भी लड़ाई कंप्लीट की, उन्होंने अपने शौर्य से बहुत कुछ लड़ाई जंग करके, बाकी के जो भी सैन्य थे अफजल खान को, उन्होंने भी उसके 10 बॉडीगार्ड इनके थे, इनके थे, इन्होंने भी उन बॉडीगार्ड के खिलाफ लड़ाई करके उन्होंने भी अपना डिस्प्ले किया, उनका शौर्य दिखाया। द रूट ऑफ अफजल खान आर्मी, देखो बच्चों ये लास्ट पैराग्राफ है इस लेसन का, इसे अच्छे से समझ लीजिए। दस द ट्रिम शिवाजी वेंट अप टू द फोर्ट, द गन बूम एंड गेव द सिग्नल, ऑन द इंस्टेंट शिवाजी ट्रूप्स केम आउट ऑफ देयर हिडिंग एंड अटैक द खान्स आर्मी, द खान्स आर्मी वॉज। अब देखो बच्चों कि जैसे शिवाजी महाराज ऊपर फोर्ट पर पहुंचे, वहां पर जाके गन ने आवाज़ की, मतलब तोफ डाकते थे, कोई जीत होती थी तो उस जमाने में तोफ को, तोफ की आवाज़ से आवाज़ दी जाती थी कि जीत की शहनाई जो अपनी बस्ती है, आवाज़ें होती थी, तो गन बूम एंड गेव द सिग्नल, जैसे गन के ने सिग्नल दिया तो बचे हुए जो सरदार थे, जो छुपे हुए थे, ऑन द इंस्टेंट शिवाजी ट्रूप्स केम आउट दे आर हाइडिंग एंड अटैक द खान्स आर्मी, जो शिवाजी का ट्रूप था, जो सैन्य थे, जो छुपे हुए थे, वो फौरन बाहर आए गन का, जैसा कि उन्हें ये सिग्नल था, सिग्नल मिला उन्हें कि शिवाजी महाराज अब ऊपर चले गए, उन्होंने अफजल खान को मार दिया, वो समझ गए, वैसे वो बाहर आया और उन्होंने शिवाजी सॉरी अफजल खान की आर्मी पे वो लोगों ने अटैक कर दिया। द खान्स आर्मी वॉज, क्या थी आर्मी देखे, द खान्स आर्मी वॉज कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर द अटैक एंड वॉज कॉट इन डिफिकल्ट टेरेन, मतलब देखो अभी यहाँ पर क्या बताया गया कि खान की जो आर्मी थी वो प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि अफजल खान शिवाजी महाराज को मिलने गया तो वो उन्हें मार डालेंगे, इसलिए वो प्रिपेयर नहीं थे और अफजल खान तो मर गए और ये लोगों ने उन पर अटैक कर दिया था, अब उन्हें सूझ नहीं रहा था, ही कुड नॉट इवन रन अवे टू सेव देयर लाइफ, उनको भाग नहीं सकते थे, उन्हें समझ नहीं रहा था कि कहाँ भागे, द मराठा ट्रूप्स चेज दे इन हॉट परस्यूट एंड डिस्ट्रॉय द होल ऑफ द खान्स पावरफुल आर्मी, और शिवाजी महाराज के जो आर्मी थी उन्होंने उसे घेर लिया और उनको ख़त्म कर दिया, इतनी स्ट्रांग आर्मी थी लेकिन वो डर जाने की वजह से वो ख़त्म हो गए। फाजिल खान अफजल खान सन हुए एस्केप विद ग्रेट डिफिकल्टी रीच बीजापुर, और अफजल खान का जो बेटा था फाजिल खान वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल करके जंगलों को पार करते हुए बीजापुर पहुँचा, हिज अकाउंट ऑफ डिसास्ट्रस कंपेन स्प्रेड ग्लूम ओवर द होल ऑफ बीजापुर, और वो डिसास्ट्रस मतलब डिसास्टर, जैसे कि अपन बोलते हैं सुनामी आई है, डिसास्टर है मतलब एक तरह की हार्मफुल जो कंपेन थी, हार्मफुल जो लड़ाई थी, उसका पूरा अंधेरा किस पर फैला था, बीजापुर पे फैल गया था। शिवाजी द हम्बल द मोस्ट पावरफुल सरदार ऑफ बीजापुर कोर्ट, हिज नेम स्प्रेड एवरीवेयर, शिवाजी महाराज का सब तरफ नाम ही नाम हो गया,
सब लोग उन्होंने आदर से देखने गए, सब तरफ उनकी प्रसिद्धि हो गई, फेम मतलब प्रसिद्धि। द सॉन्ग्स ऑफ हिज एक्सप्लॉइट्स वर हर्ड इन द हिल्स एंड वैलीज ऑफ सह्याद्री। और शिवाजी महाराज की जो वाहवाह, जो गाने होते थे, जो तारीफ होती थी, वो हर जगह पर शिवाजी महाराज की तारीफ पे तारीफ सुनने को मिलती थी। पूरे सह्याद्री रेंजेस में जो शिवाजी महाराज के नाम की आवाज़ गूंजती थी। इस तरह से ये लेसन है बच्चों, बड़ा प्यारा है, इसे सोचो, इसे सुनो, समझो, अच्छे से पढ़ो, और किसके क्वेश्चन आंसर से बच्चों नीचे दिए गए हैं तो इसे अच्छे से लिख करके याद कर लीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।